अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। तो जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा, इतने सारे अजमेर यापा होने के बावजूद असला, पुलिस, एसएसपी, फिर एसएसपी, टुंड्रा का ठुकना, फिर टुंड्रा का ठुकना, खाई से गिरना, फिर हेलीकॉप्टर का उड़ना, और भी बहुत कुछ होने के बावजूद भी एसएसपी साहब जिंदा बच जाते हैं। तो भाई उसके बाद ये होता है कि एसएसपी जो है फिर बहुत ढूंढता है उस्ताद वालों को एक दो दिन, क्योंकि भाई उसका ट्रांसफ़र यहाँ नहीं होता, वो रेड मारने आया होता है, लेकिन उस्ताद वर नहीं मिलते क्योंकि वो अंडरग्राउंड हो गए होते हैं। तो भाई काफ़ी फटी के झेलने के बाद, सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद, आखिरकार उस्ताद और छपाटरों की ज़िंदगी में अब कुछ सुकून आ गया है और कुछ ज़्यादा ही पैसा भी। चलिए शुरू करते हैं उस्ताद से। अबे कौन अपनी भेड़ पेश कर रहा है यार? हेलो इरफान केला, अबे आ रहा हूँ भाई, जहाज पे थोड़ी आ रहा हूँ, देख आ गया। हाँ जरा सा सामान नहीं है। एक तो लाइट होगा, स्विच सही कराऊंगा, इसका बंद नहीं हो रही लाइट। हाँ इरफान केले। हाँ भाऊ भाई कैसे हो? अबे जानी मेरे तो ठीक ठाक, तू बता। यार बाबू भाई ठीक ही ठीक हूँ, जब से आपने बोली है ना ये खबर। कौन सी खबर बे? अरे यार आपने बोला ना मेरा घर रख ले। हाँ अच्छा, वो हाँ जानी, रख अपना सामान जिसको है यार, तू लिया सामान वामान लिया, फर्नीचर वगैरह? हाँ यार बाबू भाई वो तो मैं ले आऊँगा, लेकिन यार मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया यार कोई पैसे वगैरह तो। अबे नहीं यार इरफान गेला, यार तू घेरों वाली बात कर रहा है यार, भेड़ क्या? अरे यार बाबू भाई यार, फिर भी यार इतना महंगा घर है। अबे तू बड़ा भाई बोल रहा बड़वे हैं और इसी बातें कर रहा। अरे यार बाबू भाई फिर भी यार वो, अबे फिर भी छोड़ दे यार, बस कर दे भाई, नहीं तो किसी और को करा दूँ अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तेरे को। अरे नहीं, मैंने ऐसा कब बोला यार बाबू भाई। हाँ तो बात फिर ऐश कर, अय्याशियाँ कर, भेड़ क्या कि आर आर क्या कर रहा है? अरे यार अच्छा ना बाबू भाई, अच्छा यार बाबू भाई कोई कागजात वगैरह तो नहीं है? अबे कागजात? अबे बड़वे ये पूरा मोहल्ला बल्लिया की ज़मीन है, बस चला अय्याशियाँ कर, कोई भी अड़ाउड़ी करे ना बस भाई को काल मार दियो, फौरन आ जाएगा। ठीक है यार बाबू भाई यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत यार। अबे ओए बस कर भाई, शुक्रिया नहीं बोल, बस भाई के लिए दुआ कर दियो। हाँ यार बाबू भाई अब तो हर नमाज में करूँगा। भड़ो तू नमाज पढ़ता है? यार पढ़ता हूँ, मतलब अब से रोज़ पढ़ूँगा पाँचों। हाँ चलिए तो अच्छा काम कर रहा है, पूछूँगा बार बार, सही है नमाज पढ़ता रही हो। ठीक है बाबू भाई, और कोई माई वाई का नंबर आया ना करा दियो भाई वो, सही है? अरे बाबू भाई बिल्कुल, अभी भी आई है, कराऊँ क्या? हाँ बस बात दबा, अभी व्हाट्सएप कर दियो, सही है? चल सही है जानी, मैं निकल रहा हूँ। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बाबू भाई, अल्लाह हाफिज़ इरफान के लिए। चलो यार भेड़ क्या, किसी गरीब का भला हो गया यार। गरीब से याद आया, लंगड़ों को काल मारूं। तो भाई उस्ताद ने अपना पुराना वाला घर इरफान केले को दे दिया, लेकिन सवाल ये उठता है उस्ताद किस में रह रहा है? अब आप सोच रहे होंगे शराफत की रिबॉन, जो शराफत की हुआ करती थी। अरे यार आ गया, बस आ गया ना। जी हाँ, अभी अरशद भाई की हुई। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है, शराफत के पास कौन सी गाड़ी है अब? यस, ये वही करोला है जो आपने फ्रैंकलिन दी दो नंबर टुल्ला के हाथों में देखी थी, लेकिन उस टाइम ये इलीगल थी, बट दिस टाइम ये लीगल है और शराफत की है। तो जी हाँ, शराफत साहब अब करोला अल्टिस 1.6 SR चलाते हैं। अरे SR नहीं, SR तो रईस। ये बड़वा झोपड़ी वाला हमारे पैसे खा के मोबाइल चला रहा है, उसकी माँ को दे चल अंडे वाले बर्गर, फटाफट गाड़ी। ओ भाग्यो नहीं भाग्यो, हिलियो नहीं हिलियो, बोला था नहीं हिलियो। एक और मुर्गा हाथ से गया, भेड़ की आँख
पढ़वे के बच्चे बात नहीं सुनते मेरी, अगली दफा क्लोरोफार्म लेकर आएंगे साले कंजर, ऐसे नहीं ऐसे तो मैं टपकाता रहूँगा हर किसी को। चलो चलो गाड़ी में बैठो। दूसरा शिकार गया अचानक से, पहले वाले वो भी लुढ़का दिया। जल्दी बैठिया, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से हाथ पैर चला लिया करो तुम लोग, समझा ना। अब कहाँ से आ रहा है, आगे से जाना। साले प्यार की जबान समझता नहीं है वो यहाँ पे। तो यार भाई वो बंदा उठा के देना था, क्या बोलो यार। चलो भाई अब यूथिया हुआ है तो अब भुगतना भी पड़ेगा। तो भाई रईस की ज़िंदगी में कुछ खास तब्दीलियां नहीं आई, बस गाड़ी का रंग तब्दील हुआ है और थोड़ा सा गुंडेपन का लेवल ऊपर गया है। लेकिन व्हाट अबाउट टकला? टकले के घर के बाहर भी लड़के पहरेदारी देते हैं और सलीम सिलेंडर के चार्जर अब टकला चलाता है, क्योंकि टकले को शुरू से सलीम की गाड़ियां पसंद थी लेकिन वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट नाउ ऑन सब कुछ है इसके पास, और आखिर में भोली सी सूरत अंदर से हरामी। तुम लोग जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वन एंड ओनली। जिमी साहब तो पहले भी पार्टी थे और अब भी पार्टी हैं, लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जी हाँ, सलीम का अड्डा अब उस्ताद का घर बन चुका है। यार वैसे यहाँ पे सुकून है यार उस्ताद, तुम सुबह सुबह क्या करते हो उठ के? जानी सुबह सुबह तो यार पहले कोशिश करता हूँ किसी तरह आईफल टावर बैठिया। बड़वे तू गया था रुखसार के पास? अभी यार उससे 2:30 बजे दुकान खुलेगी, जब ही जाऊँगा ना। एंड क्या 2:30 बजे क्या काट फिर रात को पहुँचाएगा देखे वो? आ बाबा सुबह से बोलना होता है, वही ना भेड़ क्या। अब क्या करें अभी यार, अब मैं क्या करूँ यार, कोई और ढूंढना पड़ेगा। भाई वैसे एक जानने वाला तो है मेरा यार, लेकिन पैसे बढ़वा पूरे लेता है, उसूल परस्त इंसान है। टकला तेर से यही उम्मीद लगाई जा सकती है, फायदे की तो लगाओ नहीं बढ़वा तेर से। अबे तो मैं क्या करूँ, अबे यही साला वैसा पुराने जमाने के हालों का है, मैं क्या करूँ। तू पता क्या कर, मुल्तानी मट्टी ले, समझ रहा है, और फेरे लवली ले, रोज मुंह पे माल अपने। अबे जा बे साले, तू तो देख ले अपनी शक्ल। चुप करो ए भेड़ के टको, बात सुनो मेरी। हाँ उस साल मैं तो तुम्हारी सुन रहा यार, कब से बोलो बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ महारानी के, वो तुम सारे बड़ो लोंडे लपाड़ो, वो कितना अंदाजन कितने लोंडे मंगाए। भाई देख लो यार, यहाँ पे जो खड़े घर के बाहर, उनको बुलाना तो लाजमी है। फिर वही बात है, ये तो मुझे ही पता है, अड्डे से मंगा लेता हूँ 3-4 और। वहाँ पे खड़े भाई दो है बाबा है। अच्छा दो ही हैं? यार माँ कम से कम 20 या 25 लोंडा तो होना चाहिए, अगर अपन दो दे के बनवा रहे हो और माहौल भी लगाना नाच गाना होगा, समझ थोड़ी आएगा ऐसे फिर, है नहीं है? हाँ यार दो दे के बनवा रहे हो तो फिर तो एक बिरयानी की लबेशीरी की ना। लबेशीरी बहन के घोड़े भड़वे, तेरे बाप का वाली माँ हो रहा है ना इधर लबेशीरी। अभी यार तो क्या हो गया यार, बनवा लो अच्छी लगती है। अबे माँ यहाँ पे सारे बिरयानी से मोहब्बत करने वाले बैठे, जैसी खाना खुलेगा ना बिरयानी जाएगी, लबेशीरी बच बच जाएगी, हरू भरू गले आएगी ना फिल्म अपने। हाँ यार ये तो है। वाह गिनती के लोग खाएंगे मीठा ज़्यादा तो बिरयानी पर टूटते हैं सारे। वही ना, मीठा भेड़ क्या कोई वलीमा थोड़ी हो रहा है नहीं है, मीठा भी रखवाऊँ। ये तो है। अगर महारानी के की बहन अभी यार नहीं नहीं भाई, तुम बिरयानी रखवा लो। बस सही है। अब मोटा का मर गया, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ यार मैं, भेड़ क्या फिर निकलते हैं। एक काम कर महारानी के पाड़े फ़ोन घुमा दे तू, रात को सबों की दावत है भेड़ क्या,
बस ज़्यादा की नहीं बोलियो, 10-15 बुला ले वो भेड़ के टके, पूछते भी ऐसे 25 के बराबर। हाँ सही है, भूल लेता हूँ मैं। आ बाबा मैं भी बोलो क्या? नहीं बे, तेरे वाले बहुत बड़े बड़ा निवाले बना के खाते हैं भाई, तू रहने दे। अबे आ रहा तो भाई। और उस्ताद मोटे के बाप वगैरह फ्रैंकलिन भाई, ट्रेवर भाई वगैरह को नहीं बुलाओगे तुम? अबे मोटे के बाप को यार, पहले मोटे को तो आने दे, फिर देखते हैं भेड़ क्या पता नहीं कहाँ मर गया। और बाकी भावली और काले का देखते हैं, अल्लाह मालिक है, पहले मोटा है यार, काल मिला उसको। अच्छा मेरी गाड़ी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है, सालों के पास गाड़ियां आ गई तो ज्यादा चलने यार, मेरी गाड़ी के लिए जगह नहीं छोड़ी, मैं बीच में लाऊंगा बेटा, उखाड़ लो जो खड़ना यार, आनी तो गाड़ियां आ गई तो ज्यादा फैल गए तेरे बच्चे। चलो खैर है यार, यहाँ पे लगा दी, इतनी सी बात पे क्या फड्डा करूँगा मैं, वैसे भी अपनी गाड़ी यहाँ पे सबसे अच्छी है। हाँ बस वो रेवो थोड़ी सी महंगी है, लेकिन बेटा रेवो की भी बाप है मार्केट्स। हाँ मैं हमेशा टॉप पे रहूँगा भाई, है नहीं भाइयों, गुरूर नहीं कर रहा यार, बस है नहीं भाइयों, बस ऐसे ही होता है ना यार। एक मिनट, चाबी भूल तो नहीं क्या? अबे तो जेब में ही है, लॉक कर दूँ क्या? अबे छोड़, यहाँ से कहाँ जाएगी यहाँ से भी अब गाड़ी जाएगी क्या? वैसे किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है मेरी गाड़ी उठाए, है नहीं भाइयों। वाह भाई वाह, फुल माल बना के बैठे हुए, आ गया बेटा तुम्हारा पापा, आ गया। हाँ कहाँ ला रही थी यार, पता नहीं किसकी थी, ये लोग ही कर रहे होंगे है ना, या हो सकता है अननोन नंबर हो। हाँ उस्ताद। अबे यार कहाँ ले गया था जी भाई? अबे रास्ते में था यार। बैठ यार बल्लू, जल्दी बैठ। यहाँ पे बैठूँ? मेरी गोद में बैठ गया शंटो, साले छुपी रह तू तो। अबे मोटा सबसे डेढ़ लगाता है अपने ग्रुप में है। अबे यार वैसे उस्ताद आपस की बात है, चिपके तेरे को तो बाद में बताऊंगा कुत्ते। यार अपन से जब से गाड़ियाँ आई हैं सब अमीर अमीर लग रहे हैं ना उस्ताद, मज़ा आ रहा है। हाँ जानी मज़ा आ रहा है वेड़ के। अबे तुम भी यार रेवो से हटके कुछ और ले लो। अबे जानी पैसा बचाना सीखो। हाँ तुम्हारी तरह नहीं बाप के पैसों पे ऐश करो। साले तेरे को बहुत बोलना आ रहा है यार, इसको चुप करा लो। बड़े चुप हो जा, चिपके फिर तेरी हटाता दूर हो जाता है फिर। हाँ साला उस दिन भी याद है गाड़ी मार दी थी अर्षद भाई, कैसे कर रहा था ये? हाँ यार भाई छोड़ो यार, क्या बात है यार। हाँ वे भड़वे रईस, क्या हुआ उस लोंडे का, भूल ही गया था मैं। बाबा वही पैसे खा गया था जो। हाँ और कौन यार? बाबा मैं यार गाड़ी से उतरा था यार, भाग रहा था तो क्या तो अब तो यार वो फायर चल गया यार, मर गया यार वो। लानत तेरी शक्ल पे भड़वे, तेरे को बोला किस लिए था यार मैंने? भाई इसका यही रहता भाई, ये बस अपने आप को समझता है एकड़, साला ये कुछ भी नहीं, एक चमाट का। आजा फिर कर लेते हैं एक चमाट का, तू एक चमाट का नहीं है। अबे चुप हो जाओ यार भेड़ के, बाद में बात करेंगे इस बारे में। तुम्हें यार इनके मुंह लग ही नहीं उस्ताद यार, काम की बात करो बस और निकलो। वे अबे 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 यार मतलब निकालो इनको। हाँ मोटे लाइटें ले आया तू? हाँ उस्ताद ले आया, जितनी भी पड़ी हुई थी। बस ठीक है चलो, एक काम तो हो गया। अब एक काम करो, ओए अपना राइस खोती हो टकले। हाँ भाई वो जो अपन ने भाड़ा लगाया था वो ठाकुर को लाइटें वापस करी थी या अड्डे पे पड़ी हैं? यार मेरे ख्याल से बाबू अड्डे पे पड़ी हैं, क्योंकि ठाकुर को बोला था तुमने, लेकिन अपन ईद में मसरूफ हो गया था, फिर उसके बाद हुआ ही नहीं, कोई ध्यान में ही नहीं आया। हाँ अड्डे पे पड़ी है भाई। हाँ 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 अड्डे पे कहाँ पे? अरे वो स्टोर नहीं बना यार पीछे, कारखाना टाइप। अच्छा अच्छा जहाँ डाढ़े की शॉप थी। हाँ वहाँ पे होंगी शायद भाई, देख लेंगे। क्यों कोई काम था क्या? अबे हाँ यार मैं बोल रहा हूँ वो भी लेकर आ जाते हैं, थोड़ा रोशन हो जाए यार, रात में बड़ा अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। हाँ अंधेरा तो हो जाता है भाई, फिर जैसा बोलो आप। यार एक काम कर मोटे, लाइटें लगवाए नहीं लगवाए, जो तू लाया वही काफ़ी है। कौन सी लाइटें बोल लो उस्ताद? वो जो अपन ने बाड़े में लगाई थी फॉक्स बोल लो, वाइट वाली। अबे नहीं बे, वो जो बाड़े की एंट्री पे नहीं लगाई थी येल्लो वाली यार।
अबे याद कर ले मोटे। हाँ याद आ गई, नौकर चिपके हुए। हाँ उस्ताद जेल वाली याद आ गई। वो क्या बोलता है? हाँ मंगा लो, अच्छा हो लगेगा। हाँ बापे डन हो गया। एक काम कर, अपना राइस खोती हो टकले, तुम लोग चले हो अड्डे पे। अच्छा हाँ, वहाँ पे देख के आओ, लाइट अगर पड़ी हो तो बहुत ही आला हो जाएगा। नहीं तो यार रिमान कच्ची भी बोल रहा था मैंने, शॉप खोलिए। पता नहीं क्या भेड़ क्या डेकोरेशन या पता नहीं पकवान, अल्लाह अल्लाह जाने। अब लेकिन कल आई थी उसकी 2-3 दिन पहले ना। अबे सच्ची बात क्या होगी यार उस्ताद, पकवान अगर रहमान कच्ची है तो। अबे मतलब कन्फर्म नहीं है, देखते हैं। चल अभी मेड़ क्या, वैसे पकवान एक और भी है अगर रहमान कच्ची नहीं हो तो हो जाएगा। हाँ और उस्ताद अपना स्टेज वगैरह कहाँ बनवाओगे? यार लंगड़े ज़्यादा कोई लंबी पार्टी नहीं पालनी, बस चिप बोर्ड में हम बजरी भर के उस पर कारपेट बिछा देंगे, क्या बोलता है? बोटाला एक मिनट इधर आओ यार, तुम लोग भेड़ क्या आइडिया हो जाओ एक ना, इधर आओ बड़ो। अरे अरे आ रहा हूँ। अबे कोते टोपा क्या पहना है सर पे? तू तो वैसे टोपा बहुत हंसी आई, हंस लो यार, हंसो इसकी बात पे। भाई शंटू हंसना नहीं था। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो स्विमिंग पूल के बीच में लग जाओ वो डंडा। कौन सा डंडा उस साथ? जो तेरे में लगाया था उस दिन। अबे यार सच बताओ यार। अबे वही बड़वे वो जो लेने जा रहे हैं अड्डे पे, यार अड्डे पे जो रखा हुआ है। बाबा पता नहीं यार, रखा हुआ हो या ठाकुर के पास, शायद दे दिया हो। चल अल्लाह मालिक है, अगर हो गया तो चिपका देंगे, नहीं तो मोटे की लाइट मोटा लाया तो है काफ़ी है। वो 2-4 फोक्स उतार के ले आई हो अड्डे से। सही है। हाँ सही है भाई, बहुत है यार, अब इतना यहाँ पे भी लगी है। और कोल्ड ड्रिंक रखवाएं क्या? हाँ यार रखवाओ ना यार ऐसी। मैं तो बोल रहा हूँ उस्ताद ड्यू रखवा लेते हैं। अबे नहीं भाई स्टिंग रखवाओ यार। हाँ बाबा स्टिंग स्टिंग। नहीं नहीं भाई मोटा जो बोलेगा वही होगा। है निकला सालो। भाई काम करते हैं फिर। अब झोपड़ी वालों सारे कान खोल के सुन लो बात, सही है ना? अपन के स्टेज का काम तो अपन खुद ही कर लेंगे, वो इतनी कोई भटीक नहीं है। वो लोहा भी पड़ा है उसको बांध बून के लाइटें चढ़ा दें, क्या बोलता है? हाँ भाई जैसा तुम बोलो। लेकिन भाई स्टेज बनवाओगे क्या? यार स्टेज मामा स्टेज वहाँ सामने बनवाएंगे, क्या बोलता है? हाँ बाबा यहीं पर पानी भी और नाच गाना हो रहा होगा, बड़ा टाइट माहौल बन जाएगा। हाँ यार आज भी लोहे पानी पानी की तरह है ना उस साथ। हाँ बिल्कुल उसी की तरह, लेकिन यहाँ पे लड़कियाँ की बजाय ना लड़के आ रहे होंगे काले काले भागते हुए। टकला सबसे आगे होगा सरदार उनका। अबे यार इसको समझा लो तुम। माँ छोड़ भाई इसको, मरानी क्या, तू एक काम कर, तू चले आ कालू कालू ने। अच्छा अबे बाबा सीधा सीधा बोलो, टकले के मोहल्ले चले आ। यार इसको समझा लो, इसको क्या मसला है भाई? अबे यार ये चुमत मरानी होगी, मैं माँ को तू इनको भगा यार। मरानी के बात सुनो। हाँ उस्ताद तू एक काम कर, चले जा अपना कालू कालू निकलेगा मोहल्ला। अबे यार क्या बोलूँ मैं। अबे यार चुप हो जाओ यार तुम। बेटा रही चमाट रख दूँगा तेरे में। अच्छा यार भाई अच्छा चुप हो जा यार मरानी के, तू जा रिबान ले जा अपनी गाड़ी ना। अच्छा उसको बोल भाई 8 कैरेट रात के लिए रख दे या उठा के लिया। लेकिन यार उस यार फिर गर्म हो जाएगी। अबे गर्म क्या बे, ये स्विमिंग पूल में डाल देंगे बर्फ़ के साथ, क्या बोलता है? अबे कौन से स्विमिंग पूल में? इधर आओ यार बहन के, ये देखिए देख रहा छोटा स्विमिंग पूल। हाँ इसमें फेंकेंगे करेट और 2-3 बर्फ़ के बड़े बड़े प्याले डाल देंगे, क्या बोलता है? वाह यार वाह वाह उस्ताद, तो आइडिया हो तो तुम्हारे जैसा। जानी ऐसी थोड़ी फिर यार। अबे यार वैसे आपस की बात है यार उस्ताद, तुम्हारे कपड़े क्यों चेंज नहीं हो रहे यार? हाँ यार माँ कल परसों चलते हैं लुंडा बाजार, सर्दियों की शॉपिंग कर गया, क्या बोलते हो? हाँ यार हुडी लेनी है मैंने ना। बोला जा नहीं रहा हुडी। हुडी पहनेगा, देर से बोला जा रहा है। भेड़ के टके इनकी मैं माँ को। अबे ये देखो जब नियत साफ हो ना अल्लाह खुद मदद करता है। क्या वास्ता? कुछ भी नहीं यार रुको। वे करीना की चाबी दे भेड़ के। भाई जा गाड़ी में है ना। टकले और राइस। हाँ भाई तुम दोनों जाओ अड्डे करीना लेके। हैं करीना? अबे बड़े गाड़ी का नाम है करीना। अबा करीना यार बाबा। हाँ अबे समझ तो आ रहा है ना भाई लोलू बम, निकलो चलो फटाफट, लाइट उठा के ले आओ, तंबू शंबू जो भी मिले। चलो सही है भाई, चल बैठो टकले। हाँ चल। अबा यहाँ का बैठ रहा है पीछे बैठ। साले तू बैठिया पीछे। हाँ हाँ तेरी चल क्यों रही है मेरे से?
और ये सर पे क्या पहन गया तो ये ले साले, तू बत्ती बना के अंदर ले ले इसको, उल्टा घुमा ले इसको। हाँ उल्टा घुमा के भी तेरे भाई घुसेगा। जा बेटा गाड़ी पे ध्यान दे, टूट जाएगी। हाँ हाँ समझिए यार उस साल हनी तो यार। चलो भाई अबे वो क्यों खुल गया। हाँ चलो अबे ये क्या लग गई होगी थोड़ी बहुत। माँ ठोक दी बड़वे ने। क्या हुआ उस साल, निकल भेड़ के। वे यार है तो गई है यार। अच्छा चलो सही, अल्लाह हाफिज जी भाई। हाँ लाफिज लाफिज, निकल बड़वे दफा हो जा। पता नहीं यार क्या हर वक्त इनका भाई टोंडी नहीं मिल के देती है यार, हर वक्त गुस्सा। इनके घोड़े जाहिल है बिल्कुल। वे यार उस्ताद लेकिन रईस की गाड़ी कैसी टाइट लग रही है। हैं अच्छा ये अब अबू ने बनाई है भेड़ के। इसमें चले क्या, बड़वे ने लाक करी होगी गाड़ी, आराम घोरे बड़ा। साले तेरे से तो अच्छी लग रही है चिपके। अबे मेरा पुराना मॉडल है बेटा, इससे टाइट पायदार उठा है, लोहा लाड गाड़ी है। हाँ सही बोल रहा है लेकिन जानी ये वाला मॉडल भी पायदार है। अच्छा टूटी लाओ ना यार फिर ये मॉडल। मेरे पास भी इससे अच्छा मॉडल लटका हुआ, लेगा क्या। नहीं नहीं बटो मेरा को। हाँ इसकी गाड़ी में चले मोटे। हाँ हाँ होता दम निकल जाएगा इसका। हाँ चल लो चल लो। जा भेड़ के चल लो। हाँ दम निकल जाएगा फिर, बोलेगा पेट्रोल नहीं है। यार उस टकले की गाड़ी तो भाई सबसे अलग है। आ माँ बैठो यार भेड़ की। अब तू पीछे बैठ रहा है। हाँ यार वो मैंने वो बनाया ना इंस्टा अकाउंट है। क्या बे यार, हाँ गाड़ियों का इंस्टा अकाउंट बनाया उस, गाड़ियों की पिकें डालूँगा। क्या बोल रहा है। अबे इंस्टा अकाउंट बनाया जाइल गाड़ियों का। अच्छा मेरे को भी फॉलो कर लियो। साले तू फॉलो करियो बाप को। निकल भेड़ के भेड़ के। पता नहीं यार क्या इंस्टा विन इंस्टा, बच्चा अच्छा तो नहीं होती गाइस पे ऐसी वैसी। तेरे को बड़ा पता है एलिफेंट, तू तो बड़ा शरीफ है। अबे पता अबे मतलब हाँ। अब टड बना लो तुम तो लगते भी वैसे इंसान। हाँ अबे हाँ ना। अबे ऐसी थोड़ी यार अपन बस गुरूर नहीं करते, बस समझ रहे अपन ना। हाँ बस कभी गुरूर नहीं किया उस्ताद। हाँ बस वैसे यार उस्ताद आप सही अपने संगत। हाँ सबके पास गाड़ियाँ हो गई है नहीं। आ जानी बस यार अल्लाह पाक का एहसान है यार। आ बस शुक्र करो एलिफेंट, ये नहीं तुम से एक दूसरे से जलो। अबे साले तेरे से जलूंगा क्या, करोला 2005 मॉडल। अबे यार तुम भी ऐसे हो रहे यार उस्ताद। अबे तो उंगल क्यों कर रहा है, अबे खामोशी से बैठा ना, बैठे रहने दो उसको। अबे यार मैंने तो एक बात ही बोली थी यार। अबे पहले मुँह से सुपारी निकाल के बात कर। चले उस्ताद कहाँ जा रहे हैं अपन। जानी यार देख रिवान कच्ची बात चलते हैं, देखो क्या सीन बनता है। अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नज़र दुकान पे भी चल रहे क्या। भले भाई चल लो यार। हाँ यार देख लेते, रास्ते में तो पड़ रहा डाडा, बोल तो रहा था उस्ताद काम आया हुआ ठीक ठाक। दो तीन दिन हो गए भेड़ के गया नहीं मैं। हाँ यार काफ़ी दिन हो गया ना। अबे हाँ यार माँ कामों में ऐसा फंसा हुआ था भेड़ किया, कल भी आ गया था निब्बा निब्बी। अच्छा हाँ बोल लिए भेड़ किया के जल्दी रिप्लाई नहीं देते कुछ करें। मैंने बोला भाई मैं क्या करूँ। वह यार इसलिए तुम्हारे पास आ गए। देखो यार भेड़ किया का इन कामों के लिए रेगा क्या, कोई बंदा बंदा उठवाना है तो बताओ यार। उसको बोलते कुटवा दो तेरे लड़के को। अबे ऐसी कुटा दो भेड़ की, सिर्फ जल्दी रिप्लाई ना देने पे। हो सकता है भाई काम वाम में बिजी हो यार, लड़कों की जिंदगी में कम थोड़ी फटी की होती हैं। हुई ना यार। अबे पता नहीं क्या क्या चल रहा है दुनिया में। जो भी चल रहा है बेटा सब नॉर्मल चल रहा है, तू है सिर्फ बर्गर। वाह वाह भाई डाडे फुल इंग्लिश मावल देख रहे हो। हाँ यार फुल बाबा ये तो वो थे ना काले डाडे। हाला डाडे फुल इंग्लिश ड्रेसिंग में काम होता है अब तो। वो डाडे गाने तो बंद कर डाडे। वाह वाह भाई गाने लगा के फुल काम हो रहा भाई, कपड़े वपड़े हो रहे यार उस्ताद। बस यार उस्ताद असल में यहाँ पे लोग सारे आते हैं बर्गर, तो जब ही उनके जैसे ड्रेसिंग करनी पड़ती है। अबे हाँ अबे सही है यार भेड़ क्या, किसी को बताओ भाई ये डाडा मेरा मकेने के लोग बार बोले। हाँ यार उस्ताद बस और सुनाओ कैसे आना हो गया आज तुम्हारा यार। अबे यार मैंने बोला तू बोल रहा था काम आ रहा है मैं भेड़ के, मैंने चलो चक्कर मार लें यार। असल में मैं जा रहा है रिवान कच्ची के पास। ओचो
हाँ यार, रात को फंक्शन है ना। अबे हाँ यार उस्ताद, ये तो भूल ही गया था, काम है यार लेकिन उस्ताद। अबे मामा घोड़े पे बैठा है यार, कौन सा पूरे 2 दिन लगाएंगे अपन। मैं आ जाऊँगा सुबह, कल से मैं भी आऊँगा, दोनों भाई कर लेंगे, टेंशन नहीं ले। अच्छा चलो सही है यार। हाँ चल जल्दी से घुमा गाड़ी, सही है, फिर रात को राइस कोती को भिजाता हूँ मैं, निकल लूँ, सही है। ठीक है उस्ताद। हाँ यार बिरयानी विरयानी का कराऊँ, खाने का देखूँ, चल सही है। ठीक है उस्ताद, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो भेड़ कटे हुआ, आयो हेलो, लगा ले डैड अंकल अब गाने। अबे भेड़ के मोटे बड़ा बकचोद इंसान है ये। हाँ बैठ यार, साले बैठ यार। हाँ फिर पीछे बैठ रहा, आज तो टाटे चल, सूरज कहाँ से निकला है। अबे चांद भेड़ के चांद तो हो ही ना, आगे नहीं बैठ रहा है, पीछे बैठ रहा है। अबे साले बोला तो है इंस्टाग्राम यार, सेट कर रहा हूँ, तस्वीर वगैरह डाल रहा हूँ गाड़ियों की ना। अबे चलो शायद इसकी तस्वीर डाल लेंगे, वेट कर रहे हो क्या। अबे नहीं बे भड़वे, रुक जा, दिन में नहीं आ रहा यार, रिवान कच्ची ने यार। वो इधर करीब में कौन सा पेट्रोल पंप है। अबे यार ये वाटर पंप वाला ही पेट्रोल पंप है, पीछे ही। अच्छा यार बोला था वाटर पंप वाला पंप के इर्द गिर्द ये कोई पकवान शॉप। अबे यहाँ का हो गया शायद पकवान शॉप, यहाँ तो हाईवे सीधा। अच्छा पक्का यही है। हाँ हाँ यही है। मेरे क्या यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रही यार। अबे वो रही डेगे कहाँ कहाँ। अबे यहाँ देखो सीधा पे, कहाँ पे बड़वे। अबे वो देखो यार। अबे हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ। तू बेटा मोबाइल, अरे वो कड़ा रिमान कच्ची, देखा नजरे तेज है ना मेरी। हाँ बड़वे हाँ, चल उतर, लाइट वो बंद करो तुम। हाँ चल आ जा मोटे, तू बैठा है। नहीं नहीं आ रहा हूँ। डरी लग डरी आटा ना मोटे अकेला बैठ के। यहाँ पे खोला है इसने सेटअप। अला दरवान कच्ची, नीचे भी फेनी आज भी तूने कच्ची, क्या कर दिया। अरे बाबू यार कैसा है, यानी हम तो बस वैसे ही है यार, तुम कहाँ गए हो भेड़ क्या, कोई लिफ्ट ही नहीं है। अरे यार छोड़ यार, तेरे को कब से बुला रहा हूँ। हाँ यार तू लिफ्ट नहीं करा रहा। अबे जानी बस यार काम हो बस आता, खैर छोड़, ये क्या स्टार्ट कर दिया तूने। अरे यार बस बाबू पकवान का काम शुरू कर दिया है। अबे यार इतनी दूर यार, इससे अच्छा गरीब वाले स्टोर से ले लेते। हानी तो यहाँ से लेना है बस, जान पहचान की बात अलग है यार, लेकिन वहाँ से भी सस्ता मिल ही जाता है। कोई ऐसा शहर में बनता नहीं है जिससे हमारी बनती ना हो, और ना भी बने तो बनवा लेते हम। गाड़ी देखो बस, तुम्हारे भाई की टाइट लग रही है ना, रिशद भाई लिखवाया मैंने इससे, भाई खूबसूरत लग रही है बस यार। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार शादी भी है, घर सामान चाहिए। भाई फिर गलत आ गए यार, रेशम गली चेक करो। अबे मतलब यार वो चाहिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए यार, क्रेट वगैरह चाहिए, ड्यूस ड्यू वगैरह है, पेप्सी वगैरह। हाँ भाई है यार, ये क्रेट से अच्छा यही मशीन ना ले जाओ उठा के, है ना यार, ठंडे का ठंडी भी मिलेगी इसमें, ज़रूरत ही नहीं है क्रेट की, खुआरी अलग यार, खोल खोल के दो जिसको भी चाहिए ले ले, है नहीं है। कुछ कह रहे हैं भाई। अरे नहीं नहीं यार। हाँ यार ये सही है, उस्ताद से पूछता हूँ। हाँ ये उठा के ले जाता हूँ गाड़ी में, रक्षा करा लेता हूँ, क्या बोलते हो। रुको है ना उस्ताद से पूछूँ पहले, वैसे उस्ताद खुश हो जाएगा, ये तस्वीर खींचूँ व्हाट्सएप भेजता हूँ। हाँ यार अब बैलेंस भी रखते हैं ना हम ना, अब ज़रा यार अच्छे दिन थोड़े हो गए तो अब पैकेज तो रखना पड़ता है यार। व्हाट्सएप करूँ उस्ताद को पूछूँ ये ले आओ के रेट के बदले, अब अभी तक सीन नहीं कर रहा यार। अबे कर लो यार सीन उस्ताद, एक तो यार कॉल ही करनी पड़ेगी, कॉल करके बोलता हूँ व्हाट्सएप चेक करो, है ना। कॉल उठा लो यार उस्ताद। अबे नहीं नहीं जानी, बहुत वीआईपी काम कर रहा है यार तो इसकी कॉल है भाई। हाँ अबे अबे कॉल काट दी यार, हद हो गई है, दोबारा मैं लाता हूँ यार, इंसान ज़रूरी बात भी हो सकती है यार, काल काट रहा। अबे कौन है यार महारानी के, इसको रुक यार है मान बच्ची, पता नहीं कौन सी मौत आ गई। हलाओ हाँ महारानी के बोल। अबे भेड़ के तूने ये बोलने के लिए काल पे काल कर रहा है। ओके देख रहा हूँ, भेड़ काटेगा देखा बच्चा, क्या हो गया।
बोला व्हाट्सएप चेक कर लो कंजर, पता नहीं क्या भेजा भड़वे ने, एक तो नेट यहाँ पे नहीं चल रहा। बोलिया उस्ताद करेट की जगह ये मशीन उठा के ले, ठंडा भी खुद हो जाएगा। इसकी मैं माँ को मारूँ, क्या हो गया टैट? तब अकल बटरी देना, खुसरे छोड़ने में लगा था भड़वा, रुक इसकी मैं माँ को देता हूँ अभी। अभी लग रहा उस साथ को काफ़ी अच्छा लगा मेरा आइडिया, जब इतना लंबा टाइप कर रहा है। भड़वे इस मशीन को चलाने का ब्लड अपनी। अबे यार उस्ताद, तुम्हारा यार रहते ही है यार, हर वक्त दलील करते रहते। चलो यार फटाफट 8 crate गाड़ी में रखवा, कुत्ते के बच्चे है, फोड़ दूंगा तेरे को वरना, जल्दी रखवा। हनी तो यार। तो भाई इसी के साथ कहानी ख़त्म नहीं होती है, कहानी तो 2 भी कंटिन्यू पर चली गई है। बट इस वीडियो से मैंने तुम लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश की है। अब समझने वाले समझ गए होंगे और कुछ समझने वाले नहीं भी समझोगे तो कोई मसला नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन भाई इन शपाटर स्टाइल। आपको अपने दोस्त की 70 पे बैठ के ये नहीं बोलना जानी कल्टस ये मेहरान में बच्चियाँ जा रही हैं उनके पीछे चल, बल्कि आपको ये बोलना है खातून शरीफ मेहरान और कल्टस में लोड होके जा रही हैं, उनको जाने दे, अपन उनके पीछे हरगिज नहीं जाएंगे, अपन जाएंगे तो सिर्फ कायद आजम के पीछे। जी हाँ, पैसों के पीछे। एंड दैट्स इट, यू आर अमीर डॉग।